आज हम देखेंगे कंटेंट लॉकिंग क्या होती है और कैसे कंटेंट लॉकिंग को यूज करके आप अपने सीपीए ऑफर्स पे ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन्स ला सकते हो और कौन से ऐसे सीपीए नेटवर्क्स हैं जो आपको ज्वाइन करने चाहिए अगर आप कंटेंट लॉकिंग करना चाहते हो। तो इस वीडियो में मैं आज आपको पूरा थ्योरेटिकली बताऊंगा और इस वीडियो का जो पार्ट टू है जो इसके बाद आएगा उसमें मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। तो चलते अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो अभी कर दो, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम आगे अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंटेंट लॉकिंग का मतलब क्या होता है। तो कंटेंट लॉकिंग, जैसे कि नाम से यहाँ पे आपको पता चल रहा है, कंटेंट लॉकिंग यानी कि अपने कंटेंट को लॉक कर देना ताकि कोई भी उसको आसानी से एक्सेस ना कर पाए जब तक वो कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म ना कर ले। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये आपका एक रूम है और जो आपका रूम है इसके आगे यहाँ पर एक डोर लगा है, एक दरवाज़ा लगा है और यहाँ पे डोर पे आपने एक ताला लगा दिया, एक लॉक लगा दिया है। तो कोई भी बंदा अगर आपके रूम में एंटर करना चाहता है तो उसको पहले यहाँ पे जो लॉक लगा है इसको अनलॉक करना पड़ेगा, इस ताले को खोलना पड़ेगा, उसी के बाद वो आपके रूम में एंटर कर पाएगा। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट होता है कॉन्टेंट लॉकिंग का भी। अब बात करते हैं कि कॉन्टेंट लॉकिंग कैसे काम करती है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट क्रिएट करी है, तो ये है आपकी वेबसाइट जहाँ पर आप ब्लॉग पोस्ट लिखते हो, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, तो ये है आपकी वेबसाइट। और यहाँ पर आपने एक ब्लॉग पोस्ट लिखी है जो कि बहुत अच्छी है, जिसको बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ब्लॉग पोस्ट है, लेकिन अगर कोई भी बंदा आपकी ये जो ब्लॉग पोस्ट है अगर इसको पढ़ना चाहता है तो उससे पहले उसको एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, स्पेसिफिक चीज़ उसको परफॉर्म करनी पड़ेगी, तो उसी चीज़ को कहते हैं कंटेंट लॉकर। तो आपने यहाँ पर एक कंटेंट लॉकर प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये है आपका कंटेंट लॉकर। तो कोई भी बंदा अगर आपकी इस ब्लॉग पोस्ट को पढ़ना चाहता है तो सबसे पहले उसको यहाँ पर ये जो कंटेंट लॉकर लगा है इसको अनलॉक करना पड़ेगा, जो भी चीज़ आप चाहते हो उसको परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आते हो, तो ट्रैफिक यहाँ पर मैटर नहीं करता कि कौन से ट्रैफिक सोर्स के थ्रू लेके आ रहे हो आप, चाहे वो फेसबुक ऐड के थ्रू हो, बिंग ऐड के थ्रू हो, गूगल ऐड के थ्रू हो या सर्च इंजन के थ्रू हो। तो किसी भी मेथड के थ्रू आप यहाँ पे ट्रैफिक लेके आ रहे हो और जैसे ही ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आता है और वेबसाइट पे ट्रैफिक आने के बाद जब लोग आपके ब्लॉग पोस्ट के लिंक पर क्लिक करते हैं तो वहां पर एक पॉपअप ओपन हो जाता है, यानी कि आपका कंटेंट लॉकर ओपन हो जाता है। और जो लोग कहता है कि आप यहाँ पे अपना ईमेल सबमिट करो या यहाँ पे सर्वे ऑफर परफॉर्म करो या यहाँ पे कोई भी और चीज करो, बेसिकली उन्हें यहाँ पे कोई भी चीज परफॉर्म करनी है, कोई एक्शन लेना है ताकि वो जो आपका यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट है उसको पढ़ सकें। तो कंटेंट लॉकर यहाँ पे मेजरली सारे टाइप के कंटेंट के साथ काम करता है। ऐसा नहीं कि अगर आप ब्लॉग लिखते हो तभी आप कंटेंट लॉकिंग कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मान लीजिए आप वीडियो क्रिएट करते हो या मान लीजिए आप पॉडकास्ट क्रिएट करते हो या ईबुक क्रिएट करते हो या पीडीएफ क्रिएट करते हो, तो कोई भी टाइप का कंटेंट किसी भी फॉर्म में अगर आप उसको लॉक करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कंटेंट लॉकिंग का यूज कर सकते हो। तो जो भी कंटेंट आप यूजर को बाद में देने वाले हो अगर आप उसकी हेडलाइन अच्छे से लिखते हो, सारी चीजें अच्छे से लिखते हो, तो वो चीज यूजर को एक्साइट कर देती है। तो उस केस में अगर आप कंटेंट लॉकिंग का यूज करते हो तो वहां पे जो आपको कन्वर्जन रेट देखने को मिलेगा वो काफी ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए जो आपका कंटेंट की हेडलाइन है जो बाद में यूजर को दिखने वाला है वो अच्छी नहीं है, यूजर को एक्साइट नहीं, तो उस केस में अगर आप कंटेंट लॉकिंग का यूज करोगे तो वहां पे आपके लिए नेगेटिव वो चीज हो जाएगी, बिकॉज लोग वो चीज नहीं करेंगे जो आप उनसे करवाना चाहते हो। तो उस केस में आपके जो ब्लॉग पोस्ट है उस पे ट्रैफिक भी कम हो जाएगा और साथ ही साथ जो आपके कंटेंट लॉकर पे कन्वर्जन रेट है वो भी काफी ज्यादा कम हो जाएगा। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहां पर मैंने कीटो की वेबसाइट क्रिएट करी है जहां पे मैं कीटो से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं कि कैसे आप कीटो प्रोडक्ट्स को यूज करके वेट लॉस कर सकते हो, जल्दी से जल्दी फैट लॉस कर सकते हो। और यहां पे मैंने उससे रिलेटेड एक ब्लॉग पोस्ट लिखी हुई है और यहां पर मेरी ब्लॉग पोस्ट के अंदर यहां पर मैंने एक लिंक ऐड करा है जिसके अंदर मैंने लिखा है टॉप 5 सीक्रेट स्ट्रेटजीज टू लूज वेट यूजिंग कीटो प्रोडक्ट्स। तो कोई भी बंदा जब इस लिंक पर क्लिक करता है तो इस लिंक पर क्लिक करने के बाद मेरी एक यहां पे ब्लॉग पोस्ट ओपन हो जाती है जहां पे मैंने लिखा है कि कौन सी वो टॉप 5 सीक्रेट स्ट्रेटजीज हैं कि जिनको यूज करके आप कीटो प्रोडक्ट की मदद से काफी जल्दी फैट लॉस कर सकते हो। लेकिन उस चीज को एक्सेस करने के लिए, यानी कि ये वाली जो ब्लॉग पोस्ट है यूजर को पढ़ने के लिए, यहां पर एक कंटेंट लॉकर लगा हुआ बीच में, यानी कि यूजर को कोई भी सर्वे ऑफर यहां पे परफॉर्म करना पड़ेगा, कोई भी ऑफर यहां पे परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहां पर जो मैंने टेक्स्ट शो करा है, यानी कि टॉप 5 सीक्रेट स्ट्रेटजीज टू लूज वेट यूजिंग कीटो प्रोडक्ट्स, अगर ये यूजर को एक्साइट करेगा तभी यूजर मेरे इस लिंक पर क्लिक करेगा और लिंक पर क्लिक करने के बाद ये जो
कंटेंट लॉकर है इसको अनलॉक करेगा, यानी कि यहाँ पे जो एक्शन परफॉर्म करना है उसको परफॉर्म करेगा, और तभी फिर वो यहाँ पे मेरे ब्लॉग पोस्ट पर आएगा। तो अगर यहाँ पे जो लिंक मैंने लिया हुआ है, यानी कि जो टेक्स्ट मैंने दिया हुआ है, वो अच्छा नहीं है, यूज़र को एक्साइट नहीं करेगा, तो यूज़र कभी भी यहाँ पे आएगा ही नहीं, तो आपका कॉन्टेंट लॉकिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा, और साथ ही साथ आपके जो ब्लॉग पोस्ट पर ट्रैफिक आना है वो भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप कॉन्टेंट लॉकिंग यूज़ करना चाहते हो तो मेक श्योर आपको करना है कि आपका जो कॉन्टेंट है वो बहुत अच्छा हो, तभी कॉन्टेंट लॉकिंग काम करेगी, वरना कॉन्टेंट लॉकिंग काम नहीं करेगी। अब बात करते हैं कि काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि स्वीपस्टेक, सर्वे ऑफर्स और कंटेंट लॉकिंग ये तीनों एक ही चीज़ होती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तीनों एक ही चीज़ नहीं होती, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो, तो यहाँ पे जो ऑफर है प्राइम रिवॉर्ड्स PS5 सिंगल ऑप्टेन, ठीक है, तो ये जो ऑफर है ये एक स्वीपस्टेक ऑफर है, मतलब यूज़र को यहाँ पे कोई सर्वे लेना पड़ेगा ताकि वो जो PS5 है, वीज़ा गिफ्ट कार्ड है, उसको जीत सके, उसको ले सके। तो ये सर्वे ऑफर्स होते हैं, जैसे कि आपने और भी ऑफर्स देखे होंगे जहाँ पे लिखा होता है गेट $500 वॉलमार्ट गिफ्ट कार्ड, अमेजोन गिफ्ट कार्ड, या आप iPhone 11 जीत लो, iPhone XS जीत लो, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी ऑफर्स होते हैं ये सारे स्वीपस्टेक ऑफर्स होते हैं, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो ऑफर है नाइलसन पैनल UK का ऑफर है, तो ये एक सर्वे ऑफर है, मतलब जब यूज़र यहाँ पे अपना लीड फिल करेगा, यानी कि अपनी ईमेल इंफॉर्मेशन फिल करेगा, नाम एड्रेस वगैरह फिल करेगा, और यहाँ पे जब लॉगिन करेगा तब आपको यहाँ पर पैसे मिलेंगे, तब आपको यहाँ पे कन्वर्जन्स मिलेंगे, तो ये एक सर्वे ऑफर है। तो स्वीपस्टेक और सर्वे ऑफर अलग होते हैं, और जो कंटेंट लॉकिंग होती है यहाँ पर, यानी कि जो हमारा कंटेंट लॉकर है इसके अंदर हम स्वीपस्टेक या सर्वे ऑफर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कंटेंट लॉकिंग के लिए आप स्वीपस्टेक या सर्वे ऑफर को यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्वीपस्टेक, सर्वे ऑफर और कंटेंट लॉकिंग ये एक चीज नहीं होती, ये तीनों अलग अलग चीजें होती हैं। सर्वे ऑफर और स्वीपस्टेक ऑफर को यूज करके आप कंटेंट लॉकिंग करते हो। अब बात करते हैं कौन से वो बेस्ट CPA नेटवर्क्स हैं जिनको आपको ज्वाइन करना चाहिए अगर आप कंटेंट लॉकिंग करना चाहते हो, कंटेंट लॉकिंग परफॉर्म करना चाहते हो। तो जो सबसे पहला नेटवर्क है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो वो है OGAds। OGAds काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप कंटेंट लॉकिंग करना चाहते हो। जो सेकंड नंबर पे है वो है CPA Grip। CPA Grip यहाँ पर मैं रेकमेंड इसलिए कर रहा हूँ स्पेशली अगर आप कंटेंट लॉकिंग करना चाहते हो। अगर आप कंटेंट लॉकिंग करना नहीं चाहते हो, जस्ट आप सर्वे ऑफर्स या स्वीपस्टेक ऑफर्स को सिंपली प्रमोट करना चाहते हो, तो उस केस में मैं आपको CPA Grip रेकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज CPA Grip इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है उस टाइप के लिए। लेकिन अगर आप कॉन्टेंट लॉकिंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप CPA Grip को यूज़ कर सकते हो। जो थर्ड नेटवर्क है जिसको आप यूज़ कर सकते हो वो है CPA Lead। CPA Lead में इनलॉग कॉन्टेंट लॉकिंग का ऑप्शन होता है, तो उसको यूज़ करके भी आप कॉन्टेंट लॉकिंग कर सकते हो। तो ये थे वो तीन नेटवर्क जो आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप स्पेसिफिकली कंटेंट लॉकिंग करना चाहते हो। तो इस वीडियो का जो पार्ट 2 होगा उसमें मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि कंटेंट लॉकिंग अच्छे से कैसे करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और यार अगर नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक भी कर देना, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कॉमेंट में पूछ लेना। तो बाय बाय, टेक केयर।